चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्मोकी आईज कैसे करनी है, और बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप्स में मैंने इसमें आपको बताया है। अगर आप बिगनर हो ना, आपको नहीं आता बिल्कुल मेकअप, तब भी आप ये वाली स्मोकी आईज कर सकते हो। और ये स्मोकी आईज ऐसी होती है ना, बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लैक क्लासिक ब्लैक स्मोकी आई मेकअप। ब्लैक स्मोकी आई ऑलवेज ट्रेंड पे रहती है एंड इट गोज विद एनी आउटफिट। कुछ भी कलर का आउटफिट हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मैंने अभी अप्लाई करा है मामाअर्थ बीटरूट का सीरम, और उसके बाद मैंने अप्लाई करा है बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर, और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेंसेज जो कि काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने वाली है इस लुक को। नाउ आई एम गोइंग टू प्राइम माई आईज विद द हेल्प ऑफ सुस ब्यूटी कंसीलर, देन आई एम यूजिंग लूज पाउडर टू सेट माई बेस ताकि कोई भी क्रीज ना हो। उसके बाद मैंने कर लिया अपनी आईब्राउज को डिफाइन, एंड उसके बाद आई एम यूजिंग आई मैजिक का ब्लैक कलर का जेल आई लाइनर, जिसको ना मैंने अपनी आई लिड पे अप्लाई कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा रेंडमली करा है मैंने ये स्टेप। तो इसको ना मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आई लिड पे, और फिर मैंने लिया है ये स्मजिंग ब्रश जिससे कि मैं स्मज आउट करने वाली हूँ इसको। और ये स्टेप ना आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वो लाइनर जो है ड्राई आउट हो जाता है। और उसके बाद मैंने लिया ये ब्राउन शेड और उसको अप्लाई कर लिया है एज अ ट्रांजिशन कलर। फिर मैंने अप्लाई कर ली है फॉल्स आई लैशेस, और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फेस मेकअप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। नेक्स्ट स्टेप बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन इज टू इवन आउट द स्किन टोन यूजिंग कलर करेक्टर। आई एम गोइंग टू यूज कलर करेक्टर जो कि है NYB का, और उसको मैंने अप्लाई करके ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज मेबलिन का लूमी फाउंडेशन जो कि न्यूली लॉन्च फाउंडेशन है, और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इसको डॉट डॉट करके अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और इस फाउंडेशन का ना मैंने फुल रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना, लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। और अब हम करने वाले हैं इस फाउंडेशन की ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के लिए आई एम यूजिंग डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और ये फाउंडेशन ना बिल्कुल एग्जैक्ट शेड है मेरी स्किन टोन का, तो काफी अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। तो मैंने ब्लेंड कर लिया इसे अपने पूरे फेस पे, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कंसीलर स्विस ब्यूटी का, और अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फोरहेड पे, अंडर आईज, नोज़ पे, अराउंड माय माउथ एंड थोड़ा सा चिन पे, और इसको एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग करने के बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाइलाइटेड इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल हाइलाइटेड आईज लग रही हैं। तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। और ब्लश के लिए आई एम यूजिंग रिकोड का ब्लश, तो इसको ना मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे। ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है, तो ये लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लुक देता है। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है काफ़ी अच्छे से। टू सेट दिस मेकअप आई एम यूजिंग फेसिस कनाडा कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसको ना मैं एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना अपनी अंडर आईज को सेट कर रही हूँ, और फिर मैं सेट कर रही हूँ ये ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस को। मैंने सिर्फ आईज में ही ये ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करा है, और अपने पूरे फेस पे मैं कर रही हूँ ये ब्रश से सेट। और अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए आई एम यूजिंग शुगर का दी फोर्स पैलेट, और कॉन्टोर कर लिया है मैंने अपनी नोज को भी कॉन्टोर कर लिया है ताकि स्लिम लगे काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं अपना फेवरेट हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ जो कि है शुगर का, मैंने इसे अप्लाई करा है अपनी नोज पे, और मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइनी इफेक्ट, ग्लोई इफेक्ट मिल गया है। और उसके बाद मैंने अप्लाई करा है थोड़ा सा इसे अपने अपर लिप्स पे, और अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए आई एम यूजिंग मार्स का लिप लाइनर जो कि है 02 शेड में,
तो मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मार्स लिप लाइनर, और मैं कोई भी लिपस्टिक अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं ये दो मार्स के लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और लोअर लैश लाइन पे मैंने पिक करा है ये ब्लैक शेड, और लोअर लैश लाइन पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और आप डिफरेंस देख सकते हो क्लियरली। तो मैंने सेम ऐसी दूसरी आईज पे भी कर लिया है, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से करा है मैंने ये। और इतनी गर्मी में अपने मेकअप को सेट भी तो करना है ना, तो सेटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का सेटिंग स्प्रे, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है ये लुक। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।